हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं अजीत प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। इससे पहले आज ही वीडियो मैंने डाला है इसको कि आप फंक्शनल ग्रुप के का वीडियो बना रहा था, तो टेस्ट फॉर एल्कोहलिक ग्रुप का हमने कर लिया था। उसका क्या है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। फिर इसके बाद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कैमरा ऑफ हो गया था। फिर हम इसको दूसरी वीडियो में कवर कर रहे हैं, टेस्ट फॉर एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट फॉर एल्कोहलिक ग्रुप। तो एल्कोहलिक ग्रुप का एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट कैसे करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, प्लस उसमें क्या करते हैं, ग्लाइसिल एसिटिक एसिड डालते हैं, प्लस उसमें 2-3 ड्रॉप ऑफ क्या डालते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं। फिर उसको क्या है, वाटर बाथ पे हीट करते हैं। वाटर बाथ पे हीट करने के बाद उसको क्या है, जो सोल्यूशन को 20 ml वाटर में पोर करते हैं। पोर करने के बाद उसको स्मेल करते हैं, तो उसमें नेल पॉलिश रिमूवल या फ्रूटी स्मेल आती है। तो विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप इन द गिवन कंपाउंड। अब हम चलते हैं टेस्ट फॉर कार्बोनिल ग्रुप। टेस्ट फॉर कार्बोनिल ग्रुप टेस्ट फॉर कार्बोनिल ग्रुप CO ग्रुप। मतलब कार्बोनिल ग्रुप में क्या आपका दो है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, CHO और CO, दोनों में कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो इसको टेस्ट करने के लिए पहला हम क्या कार्बोनिल ग्रुप के लिए टेस्ट करेंगे, उसका पहला टेस्ट है 2,4-DNP 2,4-DNP टेस्ट। टू फोर डी एन पी टेस्ट में हम डालते हैं, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस 2,4-DNP पी सॉल्यूशन डालते हैं, तो आता है इसमें ऑरेंज रेड PPT अरेंज रेड PPT विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन द गिवन कंपाउंड। ठीक है गाइस, तो हम 2,4-DNP टेस्ट से हमें क्या पता लगता है उसकी गिवन कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं है। तो हमें इसके लिए क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसमें 2,4-DNP सोल्यूशन डालेंगे। 2,4-DNP सोल्यूशन डालने के बाद क्या, उसमें अगर रेड PPT आएगा तो विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अब इसका दूसरा टेस्ट है कार्बोनिल ग्रुप के लिए सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। इसका दूसरा टेस्ट है सोडियम बाई सल्फाइट टेस्ट NaHSO3 टेस्ट बोलते हैं इसमें। सोडियम बाई सल्फाइट टेस्ट में क्या करेंगे, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस NaHSO3 ऐड करेंगे, तो आपका इसमें आएगा वाइट PPT विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन द गिवन कंपाउंड।
तो ये क्या है, दोनों में कार्बनिक ग्रुप अगर होगा तो पता लग जाएगा सोडियम बाइसल्फाइड से। तो इसका कार्बनिक ग्रुप का दूसरा टेस्ट क्या है, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट है। उसमें क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, उसमें क्या सोडियम बाइसल्फाइड सोल्यूशन मतलब NaSSO3 का सोल्यूशन डालेंगे। अगर वाइस इसमें वाइट PPT आ जाएगा तो विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक ग्रुप इन द गिवन कंपाउंड। अब हमें कार्बोनिल ग्रुप पता लग गया तो हम उसका टेस्ट करेंगे, एल्डिहाइड का टेस्ट करेंगे या कीटोन का टेस्ट करेंगे। फिर टेस्ट फॉर, अब क्या करेंगे, टेस्ट फॉर एल्डिहाइडिक ग्रुप, पहले टेस्ट करेंगे हम टेस्ट फॉर एल्डिहाइडिक ग्रुप। टेस्ट फॉर एल्डिहाइडिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक, टेस्ट फॉर एल्डिहाइडिक ग्रुप मतलब CHO ग्रुप। इसका पहला टेस्ट है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट करेंगे, इसमें पहला क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड प्लस फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन ए SO, फेलिंग सॉल्यूशन ए प्लस फेलिंग सॉल्यूशन बी, फेलिंग सॉल्यूशन बी, फेलिंग सॉल्यूशन बी इन इक्वी मोलर अमाउंट, इन इक्वी मोलर वॉल्यूम में डालेंगे, इक्वी मोलर वॉल्यूम डालेंगे। फिर हीट करेंगे, हीट ऑन वाटर बाथ, हीट ऑन वाटर बाथ 1 ml डालेंगे, 1 ml कंपाउंड लेंगे, 1 ml फेलिक सॉल्यूशन लेंगे, फिर 1 ml क्या है फेलिंग सॉल्यूशन बी लेंगे, बोथ इन वाटर बाथ। फिर क्या आपका आएगा, ऑरेंज और रेड PPT, ऑरेंज और रेड PPT आएगा, विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ, विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ, विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड CHO ग्रुप इन द गिवन कंपाउंड। तो क्या होगा, हम फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट क्या होता है इसका, एल्डिहाइड ग्रुप का, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, इसमें फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन इक्वल करेंगे, हीट करने में रेड मतलब कंपाउंड। इसका अगला टेस्ट करते हैं, दूसरा टेस्ट होता है शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट। एल्डिहाइड ग्रुप का नेक्स्ट टेस्ट है शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट, SHIF, शिफ्ट रिएजेंट, शिफ्ट रिएजेंट। अब इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस शिफ्ट रिएजेंट, शिफ्ट रिएजेंट, शिफ्ट रिएजेंट सॉल्यूशन, एजेंट सॉल्यूशन। तो इसमें क्या कलर, पिंक कलर आता है, पिंक कलर सॉल्यूशन, पिंक कलर सॉल्यूशन ऑब्टेंड, पिंक कलर सॉल्यूशन ऑब्टेंड, ऑब्टेंड which confirm the presence of, which confirm the presence of aldehydic
एल्डिहाइडिक ग्रुप इन द गिवन कंपाउंड। ठीक है गाइस, क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस इफ रिएजेंट टेस्ट रिएजेंट सॉल्यूशन डालोगे पिंक कलर आएगा व्हिच कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। तो सिफ रिएजेंट में क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं फिर उसमें सिफ रिएजेंट सॉल्यूशन डालते हैं, सिफ रिएजेंट सॉल्यूशन डालने के बाद उसमें क्या आ जाता है, पिंक कलर सॉल्यूशन आ जाता है। तो उसके व्हिच कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन द गिवन कंपाउंड। फिर इसका अगला टेस्ट करते हैं, इसका अगला टेस्ट करते हैं आपका टॉलेन रीजन टेस्ट। तीसरा टेस्ट है टॉलेन रीजन टेस्ट, टॉलेंस रीएजेंट टेस्ट। टॉलेन रीजन टेस्ट में इसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस क्या है टॉलेन रीजन डालते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। फिर इसको क्या करते हैं, हीट ऑन वाटर बाथ क्या फिर इन्फ्लुएंस आते हैं सिल्वर मिरर और ग्रे पीपीटी ऑप्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, ग्रे पीपीटी या सिल्वर मिरर ऑप्टेंट विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप in the given compound।